नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा नव भारती परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10 का हम आज जो तो 13वां पाठ है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं, त्रयोदश पाठ, त्रयोदश पाठ, यानी कि हम आज कौन से पाठ का अध्ययन करेंगे? 13वां जो पाठ है उसका अध्ययन हम करेंगे, ठीक है ना। अश्याम राजस्थान भूरो अन्नोत्पादने न्यूनाधिक्यम भवतु नामः, परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनता नासीत्। यानी कि राजस्थान की जो भूमि है वो अन्नोत्पादन में न्यूनाधिक्य भवतु, और अन्न उत्पादन में जो है वो न्यूनतम है, लेकिन परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनता नासीत्। यानी कि राजस्थान की जो भूमि है वो अन्न उत्पादन में न्यूनता रखती है, लेकिन वीरों के उत्पादन में वो कभी भी न्यूनता नहीं रखती है। राजस्थान की भूमि में वीरों की कभी भी कमी नहीं रही है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि हमारे इस जो 13वें पाठ में राजस्थान की जो भूमि है उसमें वीरों के बारे में जो है वो हमारे इस पाठ में बताया गया है कि राजस्थान की जो भूमि है वो अन्न उत्पादन के लिए अन्न का जो उत्पादन है वो कम कर सकती है, लेकिन वीरों का उत्पादन कभी भी कमी नहीं आई। हमेशा वीरों की तो उत्पत्ति राजस्थान की भूमि ने की है, ठीक है। अतः वीर प्रसविनी भूरियम मुच्यते इतिहास विद्धवी कविभिश्च यथा अगस्त्य महाराणा प्रतापस्य योगानं सर्वत्र श्रीयते, तथैव भरतपुरस्य महाराज सूरजमलः अपि आभारतम् अतीव प्रसिद्धो अस्ति, अस्मिन् पाठे तस्यैव अमलं जीवनं चरितम् अतिसंक्षेपणं प्रस्तूयते। यानी कि यह जो भूमि है वो वीरों को जन्म देने वाली है, और इतिहास में जो है वो इस भूमि का जो कवियों ने इतिहास में बहुत ही वर्णन किया है। यानी कि राजस्थान की जो भूमि है वो वीरों को उत्पन्न करने वाली है, और इन्होंने जो कवियों ने इतिहास में भी इस भूमि का वर्णन किया है, यथा अगर अत्रत्य महाराणा प्रतापस्य योगानं सर्वत्र श्रीयते, और इसमें जो है महाराणा प्रताप का जो है वो सर्वस्व जो जीवन जो है वो बताया गया है, तथैव भरतपुरस्य महाराणा सूरजमल्लः अपि आभारतम् अतीव प्रसिद्धो अस्ति, अस्मिन् पाठे तस्यैव अमलं जीवनं चरितम् अति संक्षेपणम्। यानी कि और भरतपुर के महाराज सूरजमल जो है उनके भी बारे में इसमें बताया गया है, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध हैं, अस्मिन् पाठे तस्यैव अमलं जीवनं चरितम्। और इस पाठ में उनके जीवन का चरित्र जो है वो अति संक्षेप में बताया गया है। महाराजा जो सूरजमल है उनके पाठ का जो है जीवन परिचय जो है वो इस पाठ में हमें बताया गया है। यानी कि क्या कह रहे हैं, हम त्रयोदश पाठ में पढ़ रहे हैं कि राजस्थान की जो भूमि है वो अन्न की उत्पादन में न्यूनतम है, लेकिन वीरों के उत्पादन में हमेशा ही आगे रहती है। लेकिन जो इस भूमि का वर्णन कवियों ने इतिहास में भी किया है, और महाराणा प्रताप के का भी वर्णन किया है, और महाराजा सूरजमल जो है उनके बारे में भी इस भूमि में इस पाठ में जो है वो संक्षेप वर्णन इस पाठ में किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं, देखिए महाराजा सूरजमल विजयते, यानी कि महाराजा सूरजमल की विजय हो,
ठीक है ना दोस्तों, महाराजा सूरजमल की क्या हो, विजय हो, या महाराजा सूरजमल की विजय के लिए पाठ हमने बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, महाराजस्य सूरजमलस्य जन्म बसंत पंचम्याम 13 फरवरी दिने 1707 तमे ईस्वी वर्षे अभवत। यानी कि महाराजा सूरजमल का जो जन्म है वो बसंत पंचमी के दिन फरवरी जो है मास में, फरवरी मास 13 फरवरी को 1707 ईस्वी में हुआ था। सही महाराजस्य बदन सिंह। हाँ जी, तो महाराजा सूरजमल का जो जन्म है वो बसंत पंचमी के दिन 13 फरवरी 1707 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सही महाराजस्य बदन सिंहस्य ज्येष्ठ पुत्र तस्योत्तराधिकारी आचासीत। यानि कि जो ये महाराज जो हैं वो बदन सिंह के जो हैं वो ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे। ठीक है ना, महाराजा जो है वो बदन सिंह के जो है वो ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे। ठीक है, सूरजमलस्य अपरम एकम नाम सुजान सिंह इत्यासी। और सूरजमल का जो है वो अपर नाम क्या था, सुजान सिंह था। ठीक है, अष्टादश शब्दाश भारतस्य नायकेषु अन्यतम आसीत सूरजमल। और अष्टादश शताब्दस्य भारत के जो नायक थे वो अन्यतम नायक जो आसीत थे वो कौन थे, वो सूरजमल थे। ठीक है दोस्तों, हाँ जी, तो इसमें जो है वो अष्टादश शब्दाश न भारतस्य नायकेषु अन्यतम आसीत सूरजमल। जो सूरजमल जो है वो भारत के जो है वो अन्यतम अष्टादश शताब्दी में अन्यतम जो है वो क्या थे, नायक थे। ठीक है ना, इसके बाद में तस्य जनिः तथा अभूतः यदा भारत देशस्य राजनीति अत्यंत दौलायमानम आसीत। और उस समय जो है वो भारत की जो राजनीति थी वो बहुत ही डगमगाई हुई थी, बहुत ही दौलायमान थी। भारतम च विध्वंसकः शक्तिनां बहुपाशे सर्वदा निबद्धम आसीत। और भारत में विध्वंस जो है वो बहुत से शक्ति वाले जो है बहुपाशे सर्वदा निबद्धम आसीत। बहुत से जो है वो शक्ति का विध्वंस करने वाले जो है वो वहां पर निबद्धम आसीत और निवास करने लग गए थे, आ गए थे। नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली इत्यादम पापिभ्याम उत्तर भारते महताम प्रमाणेन नर्वदहा गो धाश्य क्रियते इस्मह। यानी कि नादे शाह अहमद शाह अब्दाली ये इत्ते जो है ये सभी जो है वो पापिभ्याम पाप को करने वाले उत्तर भारत के महता प्रमाणेन नर्वदहा गो और नरों का और गो का इनका सबका जो है वध कर रहे थे। तीर्थानी मंदिरानी च विध्व और तीर्थों का और मंदिरों का सभी का जो ये जो है ये विध्वंस कर रहे थे। भारतम लुद्धितम आगच्छतः ब्राही क्रमणकारिण निरुद्धुम न कोऽपि शासकः सज्ज आसीत। यानी कि भारत में जो है वो लुडु तुम आ गए थे और ब्रह्मा क्रमेण कार्य का और ब्रह्मा के ब्राह्मणों के जो कार्य करने को निरुद्धुम न को अपि साथ और उनका विरोध करने के लिए कोई भी शासक सज्जन शासक जो है वो तैयार नहीं था। यानी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि महाराजा सूरजमल का जो जन्म है वो बसंत पंचमी के दिन 13 फरवरी को 1707 ईस्वी में हुआ था। और
और ये जो है महाराज जो है मदन सिंह के जो ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी भी थे, सूरजमल का अपर नाम क्या था, सुजान सिंह था। और अष्टादश 18वीं शताब्दी में इन्होंने भारत का नायकों का जो है वो अन्य नायकों में जो है अपना नाम कर लिया था, तस्य जनी अभूत भारत। इसमें जो है इन्होंने भारत की राजनीति में अपना कदम रखा था, यानी कि भारत की राजनीति में जो सूरजमल महाराज है वो यानी कि विध्वंस, यानी कि विध्वंस को कर जो हो रहा था उसके लिए मतलब लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। नासिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये जो पाप करने वाले जो थे उन्होंने जिन्होंने गो और तीर्थ आदि मंदिर आदि इन सभी का क्या किया था, विध्वंस किया था। और इसके बाद में इसकी निरुद्ध और इनका जो शासन ये जो आए थे नादिर शाह, अब्बाली, इनका कोई विरोध करने वाला कोई सज्जन नहीं था। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में देखते हैं, देखिए मल्लेशु मल्लहा सूरज मल्लह शरीर सुष्ट पश्य सौंदर्य सरलताया चारित्रिक दृढ़ताया धार्मिकताया वीरताया करुणाता करुणाया त्यागश्यः बलिदानश्यः शरणागत रक्षकश्यः प्राजल वात्सल्यश्यः राष्ट्रवादश्यः सर्व पंथ समा दर्श्यः च साक्षात प्रतिमूर्ति राशित। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि मल्लों के मल्ल जो है वो महाराजा जो सूरज मल है उनका जो शरीर है वो सोष्ट और बस जो है वो मतलब मजबूत है, सौंदर्य बाल है, सरलता से परिपूर्ण है, चारित्र की जो दृढ़ता है वो भी उनकी बहुत ही अच्छी है, धार्मिकता से परिपूर्ण है, उसके बाद वीरता भी उनमें है और करुणा भी महाराजा सूरजमल में है, त्याग भी है, बलिदान भी है और शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं। और प्रजा को वात्सल्यस्य प्रजा का वात्सल्य करने के लिए राष्ट्रवादस्य और सर्व पंथों का समादर करने के लिए क्या साक्षात प्रतिमूर्ति राशित, और वो साक्षात जो है वो प्रति की मूर्ति है, यानी कि महाराजा सूरजमल जो है वो अपने मतलब प्रजा की रक्षा के लिए, अपने बलिदान के लिए, अपनी वीरता के लिए, अपनी करुणा के लिए और अपने सुंदर और सरलता दृढ़ता इत्यादि के लिए और अपने धर्म के लिए और सभी पंथों का आदर करने के लिए जो है वो उनकी साक्षात जो प्रतिमूर्ति है वो वहां पर है। सूरजमलस्य स्वकाल खंडस्य अत्यंत दुर्धर्ष अतिशयन तेजस्वी नितांत नीति निपुण अदित्य योदा आशीत। यानी कि सूरज मल्ल स्वकाल खंडस्य अत्यंत दुर्धर्ष, यानी कि सूरज मल जो है वो अपने कालखंड में अत्यंत जो है वो दुर्धर्ष थे और अतिशयन और अतिशय तेजस्वी थे और सर्व नितांत नीति और नीति सभी जो है वो उसमें जो है नितांतों में नीति से निपुण थे, अद्वितीय थे, अद्वितीय योद्धा आसीत और अद्वितीय योद्धा भी थे। तेन प्रयासः शप्तेषु महत्तु युद्धेषु विजयश्री चुम्बिताः, और उनसे उनके प्रयास से जो सप्ते सात जो महान जो युद्ध थे, विजयश्री जो युद्ध था उसको भी चुम्बिता, यानी कि उसको भी उन्होंने विजय प्राप्त करी, उसमें भी वो लड़े, विजयश्री प्राप्त की थी। कभी सुदीनम सुकीय सुजान चरित्रम इति काव्ये तेषां सप्त युद्धानां रोमांचकम सज्जीवम च वर्णनम अकरोत्। यानी कि कवियों ने सुदन
सूदन सूदन जो है उन्होंने स्वीकीय स्वीकीय अपने अपने द्वारा सुजान चरित्र नाम के इति काव्य देशाम सप्त और इस काव्य में उन्होंने सप्त सात युद्धों का रोमांचक जीवन जो है उनका उसका वर्णन किया। यानी कि एक कवि जो सूदन है उन्होंने अपने ही सुजान चरित्र में इन सभी काव्यों का इस काव्य में सात युद्धों का जो है वो रोमांचक सजीव वर्णन किया है। रंगाणे पाल युगलेन खड़गम चालयन्तः तह वीक्षम तस्य यो अपि विषमतः जायन्ते इष्मः युद्धरतस्य मलस्य अस्य शौर्यवर्णनं कुर्वन् प्रसिद्धः कविवरः सूर्यमलः मिश्रणः वंशभास्करः ग्रन्थे डिंगलभाषाया लिखति। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि गणे पाण युगलेन खड़गम चाल और रण के जो है रण में युद्ध की भूमि में पानी से योग जो है वो खड़क को चलाते थे और वीक्षम तस्यायो अपि विषमता जायन्ते और उन्होंने बाद में जो है वो विषमता को जो है वो धारण कर लेते थे और युद्ध रतस्य मल्य अश्व शौर्य बल और युद्ध के जो है वो रण में जो है वो इन जो मल्यों का जो है वो शौर्य का जो है वो वर्णन किया है। प्रसिद्ध कवि वरह सूर्य मलह मिश्रण वंश भास्कर ग्रंथे डिंगल भाषा और इन युद्धों का वर्णन किया गया है और कविवर सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर नाम के जो ग्रंथ को जो है वंश भास्कर नाम के ग्रंथ को डिंगल भाषा में इसका लिखा गया है। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि महाराजा सूरजमल जो है वो सभी प्रकार से सक्षम थे और प्रजा की रक्षा के लिए बिल्कुल अग्रसर थे और निगुण थे और युद्ध में बहुत ही निपुण थे और इन्होंने सात युद्धों में क्या किया था विजय श्री को प्राप्त किया था और इसके बाद में इन्होंने जो है रंग पर अपने जो हाथों से जो है वो खड़क को चलाने में जो है वो बहुत ही निपुण थे। इसके बाद में युद्ध जो इन्होंने इनके जो युद्ध का जो है वो वर्णन जो है वो कविवर जो सूर्यमल मिश्रण जी जो है उन्होंने वंश भास्कर में इनके युद्धों का वर्णन किया है। डिंगल ग्रंथों डिंगल भाषा में इनके युद्धों को लिखा है। ठीक है ना दोस्तों, इसके आगे देखते हैं। सहो भले ही जटनी जय अरिष्ट अरिष्ट जिहि जाठर रवि मल्ल हुआ अमिरन को इष्ट। यानी कि जो सहो भले ही जटनी इनकी जो सही बात है भले ही जटनी जो है वो कितने भी काय से जो दुखों को जो है वो प्राप्त करके अरिष्टों को प्राप्त करके जिमि जाठर रवि मला हुआ और जिसके जो है उधर से वो रवि मल जो है वो हुए अमेरन को इष्ट और आमेरन को इष्ट यानी कि आमेर जो है उनको जो है वो इष्ट को प्राप्त हो गया है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि इसमें बताया गया है कि चाहे कितने भी अरिष्टों को प्राप्त करके चाहे कितने भी दुखों को प्राप्त करके जटनी ने जो है वो रविमल को प्राप्त मतलब उत्पन्न किया है और उसको आमेरन को जो इष्ट है उसको इसमें बताया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं। देखिए, नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर जन्मा उसके गर्भ से सूरज मलसा वीर। यानी कि इसमें कह रहे हैं कि नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर जन्मा उसके गर्भ से सूरज मलसा कौन। यानी कि नहीं जाटनी
नहीं, तुमने जो है व्यर्थ की जो पीड़ा है, जो व्यर्थ का जो प्रसव में जो तुमने पीड़ा प्राप्त की थी उससे, वो जो है तुमने व्यर्थ की नहीं की है, जन्मा उसके गर्भ से सुर, और उनके जन्म से जो है वो गर्भ से जो है जो सूरज मनसा जो वीर है वो जन्मा है। यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जाटनी जो है उसने व्यर्थ में ही अपनी जो सूरज मन को मतलब प्रसव करने में पीड़ा जो है वो व्यर्थ में ही प्राप्त नहीं की है, क्योंकि उन्होंने मातृभूमि के लिए, हमारी जो मातृभूमि है उसके लिए मतलब सूरज मन सा जो वीर है उसको मतलब जन्म दिया है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में देखिए, महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य चांतनम महाराजस्य सूरजमलः एव सः वीरयः उत्साह साहस चातुरी दृढ़ता वदेन मुगल साम्राज्यस्य उपरि प्रत्यक्षं प्रहारम अकरोत्। यानी कि ये क्या कह रहे हैं कि महाराणा जो प्रताप है, छत्रपति शिवाजी जो महाराज हैं, चांत्र और उसके बाद में जो है वो सूरजमल जो एक एव वीर जो है, ये तीनों जो वीर हैं वो साहसी हैं और उत्साह से भरे हुए हैं, चतुर हैं और दृढ़ता से बलवान हैं, और मुगल साम्राज्य के ऊपर जो है वो प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने क्या किया है, प्रहार को किया। यानी कि जो ये तीनों वीर हैं, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और सूरजमल जो है, इन्होंने अपने साहस से, अपनी दृढ़ता से और अपने जो है उत्साह से मुगल साम्राज्य के ऊपर जो है इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से और जो है अपना जो है प्रहार किया है। ठीक है, इसके बाद में तस्मस्य मुगलानाम अहंकारस्य नेव नेवकवारम पराजय अवगत, और इन्होंने जो है वो तस्त समक्ष जो है मुगलों के जो है जो अहंकार को मतलब पराजित कर दिया था, इनके जो है ये जो तीनों वीरों ने मतलब मुगलों के अहंकार को नीचे की ओर ला दिया था। ठीक है, मीर बख्ती मीर बख्सी मीर बक्सी सलावत खान शद्रश शासको अपि तेन सह संधि करोति, और मीर बक्सी जो है मीर बक्सी जो है वो सलावत खान जो है उन्होंने शासकों, उन दोनों शासकों ने क्या की, इनके साथ में क्या की, संधि कर ली। यद अध्यारंभ्य अहम पिपल वृक्षेदनम गोहदनम मदिरादि विध्वशनम च नैव करिष्यामि, और वो दोनों क्या कर रहे थे के आधुनिक काल में वो जो है वो पीपल के वृक्षों को काट रहे थे, गोहदन गौओं को मार रहे थे और मदरा का पान आदि कर रहे थे। ठीक है ना, वो जो है वो विध्वंस आदि को जो है वो कर रहे थे। ठीक है, इदम सूरज मनस्य प्रभावशालितायः एकम निदर्शनम, और इसके बाद में सूरज मन का जो प्रभाव था वो बहुत ही देखने योग्य था। तदानीतनम न कोऽपि भारतीय शासक मल्लेन तुल्य दृश्यते, और उस समय जो है वो भारतीय शासक जो थे वो मल्ल के समान तुल्य दिखते थे। अष्टादश शब्दाश प्रायशः सर्वे अपि इतिहासज्ञः वृत्तान्तः लेखकाश्च तं मुक्तकण्ठः प्रशंसति। यानी कि अष्टादश 18वीं शताब्दी में प्रयास करके सभी इतिहास के जो वृत्तांत को वो लेखकों ने मुक्त कंठ से, यानी कि अपने कंठ के द्वारा उनकी प्रशंसा, यानी कि उनकी क्या की, प्रशंसा की। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें हमें क्या कह रहे हैं कि जो जाटनी जो है उसने जो
महाराजा सूरजमल को जन्म देने में जो पीड़ा जो है वो व्यर्थ में ही नहीं झेली है, क्योंकि हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए उन्होंने मतलब सूरजमल सा जो वीर है वो हमें प्राप्त किया है। इसके बाद में महाराणा प्रताप, महाराणा छत्रपति जो शिवाजी हैं वो, और महाराजा सूरजमल, इन तीनों ने मिलकर के जो मुगल साम्राज्य के जो राजा थे उनको मतलब उनका जो अहंकार जो था उसको डुबो दिया है, और धीरे धीरे 18वीं शताब्दी में ये जो है धीरे धीरे अपने मतलब राज्य की रक्षा की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे देखते हैं। देखिए इसमें जाट जातो सूरज मल्लह तदेव स्थारम धते यत खलु तो स्थारम विदिशीयुषु प्लेटो नेपोलियन लूथर इदानीम नास्ति। और जाट जाटों में, जाटों के जाट जो हैं वो सूरजमल जो है वो अपना स्थान जो है वो बहुत ही मतलब स्थानम धते यत खलु तो स्थान, और स्थानों में जो है वो अपना भी अन्य देशों में भी अपना स्थान रखते थे, विदेशों में भी अपना स्थान रखते थे। प्लेटो नेपोलियन लूथर लूथर इदानीम इनका जो था वो नाम था, जो विदेशी जो थे उनका नाम क्या था, प्लेटो नेपोलियन और लूथर इनका नाम था। कश्य लेख लेख कस्तुता जाट प्लेटो इति विरोधेन भूषितवानिनः। और जो महाराजा सूरजमल थे वो लेखक जो थे वो जाट प्लेटो जो थे वो उनका जो क्या करते थे, विरोधेन विरुद्ध को भूषितवान और विरुद्ध को धारण करते थे। हिंदू इतिहास संज्ञः त 18वीं शताब्दस्य कनिष्कस्य इति मुसलमानस्य त अंतिम प्रतापी हिंदू नरेशः इति घोषितवान। और 18वीं शताब्दी में जो है वो हिंदू इतिहास में 18वीं शताब्दी में कनिष्क और इति मुसलमानस्य अंतिम प्रतापी जो है वो हिंदू नरेश राजा जो है वो घोषित हो गए थे। कौन? महाराजा सूरजमल। ठीक है, औपचारिक शिक्षा रहित हो सूरजमल वस्तुतः समकालीनेषु वीरेषु भीमः नीतिगेषु कृष्णः अत्र शास्त्रेषु च कौटिल्यः आसीत्। यानी कि औपचारिक शिक्षा में महाराजा जो सूरजमल है उन्होंने वस्तुतः समकालीन वीरभूमि वीरेषु भीम और नीति नीति एक कृष्ण और अर्थ शास्त्र में च कौटिल्य भी इसमें इनको क्या करते थे, मान्यते मानते थे। सैयद गुलाब अली नकवी स्वीके इमा दुस्ताद आदतः। और सैयद जो गुलाब अली जो नकवी थे उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने इमा दुस्ताद आदतः इत्याचे उन्होंने इमा दुस्तदातः इत्यादि ग्रंथ जो है वो उन्होंने लिखा। राजनीते राजस्व नागरिकः न्यायस्य च प्रबन्धः नैपुणे आसफजाः बहादुर निजाम आसपहा बहादुर निजाम विहाय हिंदू स्थाने तत्समये नेको अपि कश्चितम् तत्तुल्यम आसीत। यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं कि जो सैयद गुलाब नबी गुलाब अली नकवी जो थे उन्होंने इमा दुस सादात जो ग्रंथ को लिखा
तत् राजनीति में वो क्या हुए, राजस्व और नागरिक न्याय और आदि के प्रबंध में निपुण थे। वो अस्पा बहादुर आसफा जहा बहादुर निजाम जो बिहार थे वो हिंदू स्थान में तस समय में नेको अपि कश्चित तुल्यम, और उनके जो है वो हिंदू स्थान के समय में उनके तुल्य उनकी तुलना में कोई भी नहीं था। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद देखिए ईलाल देरी आपनी इति मात्र शिक्षा पाल्यम, यानी कि धर्मा धर्म्यार दही युद्धात श्रेय अन्यतः क्षत्रियस्य न विद्यते, यानी कि इलाल देनी आपनी, यानी कि जो जो आपनी जो मातृभूमि है उसको किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, और इस मातृ शिक्षा की ओर पलायन करना चाहिए। धर्मात ही युद्धात श्रेय अन्यतः क्षत्रियस्य न, और क्षत्रियों का धर्म जो है वो हमेशा युद्ध करना है ना, क्षत्रियों का धर्म जो है वो हमेशा युद्ध करना है, ना कि सुनना ही क्षत्रिय को शोभा नहीं देता है। इति गीता उपदेशम च परिपालयन राष्ट्रधर्मस्य रक्षाया रक्षणाय प्राणान पणिकृत्य अपि युद्धा युद्धमानः 15 दिसंबरे 1763 ईस्वी इति दिवसे रणी चबी मुखे हतः, यानी कि यह जो है वो गीता का जो उपदेश है वो परिपलायन करके राष्ट्र धर्म की रक्षा करके अपने प्राणों का परिक्रण जो है वो युद्ध में जो है वो 15 दिसंबर 1763 ईस्वी में इस दिवस में उन्होंने रण की भूमि में अपनी जो है चबी मुखे और सभी के मतलब खुशी खुशी से उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। महाप्रताप इवह शिवाजी प्रताप इवह शिवाजी इवह बंदा वैरागी इवह गोविंद गुरु गोविंद सिंह इवह च महाराजा सूरज मल मलश्य परम प्रभाव अध्यापि इतिहास से गुंजती। ठीक है ना, यानी कि महाराणा प्रताप शिवाजी और जो महाराजा जो सूरजमल थे वो और बंदा बैरागी, इसके बाद में गुरु गोविंद सिंह और महाराणा जो सूरजमल थे उन्होंने जो है परम जो है इतिहास में जो है वो परम अपना नाम यहाँ पर कमाया है। और इनकी हमारे जो ये पाठ है उसमें हमें बताया गया है कि इस पाठ में जो ये पांच जो मतलब मतलब हमारे वीर हैं महाराणा प्रताप शिवाजी बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह और महाराजा सूरजमल, इन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने मतलब प्राणों को बलिदान कर दिया था। और मतलब अंग्रेजों से लड़ते लड़ते महाराजा सूरजमल ने 15 दिसंबर 1763 ईस्वी में इनकी को जो है वो मृत्यु हो गई थी। इस अध्याय में हमें बताया गया है कि महाराजा सूरजमल जो थे वो बहुत ही सज्जन और धर्म से युक्त और सभी धर्मों का सम्मान करने वाले और मतलब गौ ब्राह्मण और मतलब अपने धर्म की रक्षा को करने वाले, अपने मातृभूमि की रक्षा को करने वाले, और ये जो है इनके जो माँ थी उन्होंने मतलब दर्द सह करके भी महाराजा सूरजमल जैसे पुत्र को मतलब पैदा किया था, मतलब उत्पन्न किया था, ऐसा इस हमारे जो पाठ में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।